बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गोपालगंज से, 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की खबर इस वक्त आ रही है। 15 साल के युवक ने किया दुष्कर्म, घटना के बाद से युवक फरार, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि 15 साल की युवक ने 15 साल के नाबालिग के ऊपर यह दुष्कर्म का आरोप लगा है। घटना के बाद से युवक फरार है, परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपी की तलाश में पुलिस कर रही है छापेमारी। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि गोपालगंज से जहां पर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है, 15 साल के नाबालिग ने इस घटना को अंजाम दिया है और घटना के बाद से युवक यानी ये नाबालिग फरार बताया जा रहा है। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, आरोपी की तलाश की जा रही है। 6 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ 15 साल के नाबालिग ने इस घटना को अंजाम दिया है, घटना के बाद से जो नाबालिग है वो फरार है और परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कल शाम को हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि एक 6, 6.5, 7 साल की एक किशोरी है जिसके साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है। हम लोगों ने तुरंत ही उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हम लोगों ने घर वालों के स्टेटमेंट पे प्राथमिकी भी दर्ज की है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ा विचित्र यह मामला है, 6 साल के मासूम बच्चे के साथ एक 15 साल के नाबालिग ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब ये अपडेट क्या है, पूरे मामले पर कार्रवाई क्या की जा रही है? जी निश्चित ही पुलिस इसमें परिजन की शिकायत पे पुलिस लगातार उसके जो नाबालिग है उसके गिरफ्तारी के लिए बात कर रही है कि जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके परिजनों को पुलिस दबाव दे रही है कि जल्द से जल्द उसको हाजिर करें। ये जो पूरा मामला एक सिद्धवलिया थाना क्षेत्र का एक गाँव का है जहाँ पे एक 6 साल की मासूम बच्ची को उसके पड़ोसी के 15 साल के नाबालिग लड़के के द्वारा इस तरह का घृणित काम किया गया है। हालांकि उसकी माँ के अगर माने तो उसकी माँ बता रही है कि मेरे बच्ची को लेकर वो जा रहा तो मैं देख रही थी, मैं चिल्ला रही थी कि कहां उधर लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कुछ देर बाद ही इस तरह का घटना सामने आ गया। घटना के बाद से आरोपी फरार है और इसी की मां कह रही है कि मैंने उसको भागते हुए देखा कि वो उसने घटना को घटित करने के बाद भाग गया। इस मामला में जो गोपालगंज सदर एसडीपीओ है प्रांजल, उन्होंने बताया है कि इसमें जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। शैलेंद्र, क्या मेडिकल पुष्टि हो चुकी है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है? जी मेडिकल जांच करवा दिया गया है, रिपोर्ट आने की इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट जैसे ही आएगा उसके बाद पुलिस आगे कार्रवाई करेगी और रिपोर्ट के लिए जो प्राथमिक जांच पड़ताल होता है उसको गोपालगंज सदर अस्पताल में लाकर पूरी जांच पड़ताल कर लिया गया है और पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। बिल्कुल सही आपने कहा शैलेंद्र, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें कि 15 साल के दरअसल नाबालिग ने किशोर ने 6 साल के बच्चे के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है जिसके बाद अब उसकी तलाश की जा रही है।